काफिर, सूरह नंबर 40, जिसका और एक नाम है सूरह मोमिन। इस सूरह के अंदर एक मोमिन, एक रजुल मोमिन की मिसाल देकर समझाया जा रहा है कि कुफार कुरैश को समझाया जा रहा है कि फिरौन के दरबार में एक आदमी ने मूसा अलैहिस्सलाम पर उसने कलमा पढ़ लिया था। तो ये जो रजुल मोमिन है ये उन्हीं के कौम में का आदमी कलमा पढ़ता है और फितरी तौर पे समझाता है, कभी अकली तौर पे समझाता है, तारीख एतबार से यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल देकर समझाता है, कभी जज्बात के पैर में समझाता है, तभी वो आखिरत की धमकी देकर समझाता है, तभी वो बाद वाले दिन से डरा कर समझाता है, फिर बाद में कहता है मेरा मामला अल्लाह के हवाले कर देता हूँ। इस रजुल मोमिन को अल्लाह ताला ने जिक्र किया और जो भी दाई होता है ये रजुल मोमिन की तरह उसके अंदर एक अजीमत और हिम्मत और इस्तकलाल पैदा होनी चाहिए, यह हमें सूरह गाफिर के अंदर हमें सबक मिलता है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुबहानहु ताला मुझे और आप सबको सूरतों में पाए जाने वाले असबाह से इस्तेफादा करते हुए अपनी जिंदगियों को उसमें ढालने के अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मजीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरा। منهج خير الناس جميعا.